वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज माम गी रही ताला तीसरी असल बयान कर रहे हैं यानी गुस्से का बयान सबसे पहले जो है वो ज्यादा खाने की हिर्स उसके बाद ज्यादा बोलने की हिर्स और अब तीसरी असल जो है गुस्से का बयान और जहर का गुस्सा जो है वो इंसान की नेकियों के लिए और इंसान की शख्सियत के लिए इंतहाई मुजिर है इसलिए इस जरूर को वाज कर रहे हैं फरमाया कि गुस्सा आग का शोला है इसका जोर तोड़ना भी जरूरी है क्योंकि रसुल मकबूल नहीं होता बल्कि के वक्त अपने को दे। याद रखो जिस तरह याद रखो जिस तरह तलख एलवे से मीठा शायद बिगड़ जाता है और इसी तरह गुस्से से ईमान बिगड़ जाता है गुस्सा बुरी बला है यही मारपीट गाली और जबान दराजी खुले गुना कराता है और इसी से कीना हसद बदगुमानी इफ्शाए राज हथ के इज्जत के अजम के बातरी मासीतें पैदा होती हैं उसी की वजह से मुसलमान को अपने मुसलमान भाई का खुश करना नागवार गुजरता है इसका रंजो तकलीफ में रहना पसंद आता है और जाहिर यह सब तबाकुन तबाहकुन मासीियतें यह बातरी छुपी हुई मासीियतें अंदर अंदर इंसान पकाता रहता है और अल्लाह तबारा को बताला कि हाँ ये तबाहकुन गुना है उसके बाद फरमाते हैं कि गुस्से का इलाज इसका इलाज दो तरह करना चाहिए फरमाते हैं कि अव्वल तो रियाजत रियाजों मुजाहदे से इसको तोड़ना चाहिए मगर तोड़ने से मकसूद ये नहीं कि गुस्से का मादा ही ना रहे यह मकसूद नहीं इसलिए कि अगर मादा ही जाता रहे तो कुफार से जंग और जिहाद कैसे होगा क्योंकि गुस्से की बेस पर ही अल्लाह के नाम को सर बुलंद करने के लिए अल्लाह के बाग़ियों के साथ लड़ने के लिए मैदान जिहाद में उतरता है अगर गुस्सा सिरे से ख़त्म ही हो गया तो जंग और जिहाद कैसे होगा और फसाको फुजार और, और मुफ्त के खिलाफ खिलाफ शराब बातों पर नागवारी किस तरह होगी जो गुस्सा खत्म हो गया तो फिर खिलाफ शराब बातों पर गुस्सा और नागवारी कैसी होगी जो कि खुद शरीर का पूरा शोबा है नाजायज अफाल देकर गुस्सा आना तो जरूरी और शरा का एन मकसूद है लिहाजा गुस्से के तोड़ने और रियाजत करने से यह मुराद है कि उसको महजब और अकलोशरह का ताबेदार बना लिया जाए और ऐसा कर दिया जाए जैसे शिकारी कुत्ता होता है कि जब उसका मालिक उसको भगाता तो भागता है और जब वो किसी पर हमला कराता है तो हमला करता है वरना चुपचाप बैठा रहता है यही हादत गुस्से की होनी चाहिए अगर शरीर हुक्म दे और गुस्से को भड़काए तो फौरन भड़क उठे और अपना काम करे वरना चुप रहे और बेहिसो हरकत पड़ा रहे तो गया कि ये कुत्ते की तरह बेहिशो हरकत जैसे वो पड़ा रहता है मालिक के इशारे पर कूदता है बिल्कुल इसी तरीके से गुस्सा भी आपका जो है ये महजब होना चाहिए उसके बाद फरमाते है कि हैं कि गुस्से को महजब और मुशर बनाने की तरकीब गुस्से को ऐसा महजब बनाने की तदबीरें यह है कि नफ्स की बाग रोको नफ्स की लगाम को खींचो हिलम और बर्दाश्त की आदत डालो जब कोई गुस्सा पैदा करने वाला वाक पेश आए तो नफ्स पर जबर करो और गुस्से को भड़क भड़कने न दो बस यही वो रियाजत है जिससे गुस्सा मोती और बरदार बन जाएगा नंबर दो गुस्से के जोश के वक्त जब से काम लो और उसको पी जाओ और इसका एक इलाज इलमी है और एक आमली है गुस्सा पीने का इलमी इलाज तो यह है कि गुस्से के वक्त सोचो कि गुस्सा क्यों आता है है कि इसका सबब हुक्म खुदावंदी में दखील होना है और दस्त अंदाजी करना है क्योंकि गुस्सा करने वाले का मतलब यह है कि यह काम मेरी मर्जी के मुआफी मौ... क्यों नहीं हुआ मेरी मर्जी के मुआफी क्यों नहीं हुआ और इरादा खुदावंदी के मुआफी क्यों हो गया क्योंकि कोई भी काम जब हुआ या आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा अब यह गुस्सा करने वाला गोया कि यह एतराज करता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक क्यों हो गया तो हुआ कि अल्लाह के इरादे पर एतराज करता है अब तुम ही बताओ कि यह हमाकत है या नहीं लिहाजा ये अहमकार तस्वर है कि अल्लाह के बारे में ही बात कर रहा है क्या हक तला के इरादे को अपने इरादे और मंशा के ताबे बनाना चाहता है याद रखो खुदा के हुक्म के बगैर जर्रा भी नहीं हिल सकता फिर तुम इसमें दखल देने वाले और उसको नागवार समझने वाले कौन हो इसलिए बताया क्योंकि इरादा खुदाबंदी में दखल है इसलिए तौर सोचो कि भाई ये तो बहुत बड़ा मैं कर रहा हूं। नहीं भी अपने गुस्से को क्योंकि इरादे इलाही पर इतराज हो रहा है दूसरे इस बात का ख्याल करो कि मेरा शख्स पर क्या हक है खुदा का मुझ पर क्या हक है फिर खुदा का तुम्हारे साथ क्या मामला है और तुम उस शख्स के साथ क्या मामला करना चाहते हो अल्लाह का मुझ पर इतना बड़ा हक है और मैं जो सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानियां करता हूँ अल्लाह ने फिर भी मुझ पर हाथ नहीं डाला मुझे छोड़े रखा और इस बंदे पर तो मेरा कोई हक हाँ है ही नहीं तो फिर मेरी हालत यह कि मैं भड़क जाऊं है तो लिहाजा सबर करे अगर अल्लाह मिया मुझ पर इस तरह भड़कने लगे तो मुझे सफर से मिटा दे जब अल्लाह मेरे बारे में तहमुल करता है बावजूद मेरी गुना नाफरमानी को मुझे चलने देता है की रोटी और खाना पानी देता है तो फिर इस बंदे पर तो मेरा कुछ भी हक नहीं है अगर इसने गलती कर दी तो कोई बात नहीं अल्लाह की इरादा सा जाहिर हो गया मेरा इरादा टूट गया कोई बात नहीं तो तहमुल करे और दूसरा फरमाया कि अमली इलाज यह है कि जब गुस्सा आए तो अवजिल्लमिन ने शैतान रजिम पढ़ कर जब वो इस गुस्से को दफा करे और शैतान के शर से पनाह मांगे तो असर जाहिर हो जाएगा और नींद अपनी हालत बदल दे यानी अगर खड़ा है तो बैठ जाए बैठा तो लेट जाए और तो अगर इस तरह भी गुस्सा ठंडा ना हो तो फिर वजू कर ले वजू कर ले अपने रुखसार को जमीन से लगाए ये ताकि तकबर टूटे तो क्या हालत जब बदल देता है तो रुखसार इज्जत की जगह इज्जत के मुकाम को जब जमीन पर लगाते हो तो जिल्लत तो कसर नफसी अख्तियार करता है तो गुस्सा टूट जाता है क्योंकि हदीस में आया है अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घूंट जो मुसलमान पीता है फरमाया गया वो गुस्से का घूट है जराबर मकबूल सोल्ला वल्ल फरमाते हैं जिस मुसलमान को अपनी बीवी बच्चों या ऐसे लोगों पर गुस्सा है जिन पर अपना गुस्सा जारी कर सकता है और सजा दे सकता है और वो उसको जबत कर जाए और तहमुल से काम ले ले तो अल्लाह तबारक वाल उसके उसके कलब को अमन और ईमान से लबरेज फरमा देता है बीवी बच्चों पर गुस्सा बच्चों से ज्यादा बीवी पे इंसान को गुस्सा आता है तो बीवी पर गुस्से को इंसान अगर सब्र कर जाए तो अल्लाह तबारक वाल अमन और ईमान से दिल को भर देता है ईमान की दौर से और मिठास अता फ़रमा देते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली ये गुस्से का जो खुल हाँ, के ज़मीमा है इससे जो बचने की तौफीक का अता फरमाए हाँ जायज़ और जो माकूल जगहों पर गुस्सा आना यह इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन जा बजा बिला वजह गुस्सा आना यह दरिंदगी है अल्लाह तबारक वाली हमारे अखलाक जमीमा के अंदर से गुस्से को निकाल दे और हमें हुसन अखलाक से मुनव्वर फरमा दे आमीन या आलमीन